सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ज्वाइन, फटाफट आप सभी ज्वाइन कर जाएं। हाँ जी, सभी से आग्रह है कि आप फटाफट ज्वाइन करें आज के धमाका डेली करंट अफेयर्स के सेशंस में। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस धमाका डेली करंट अफेयर सेशंस। फाइन, हाँ जी हाँ, आप फटाफट ज्वाइन करें, ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। हाँ जी हाँ जी, एज सुन एज पॉसिबल यू ज्वाइन, आई एम वेटिंग टू यू। मुझे पता है डियर, ये फेस्टिवल्स मोमेंटो चल रहा है। हाँ जी हाँ जी, बट पढ़ाई अपनी जगह है डियर, और फेस्टिवल तो होंगे ही होंगे। ओके, सो वी आर कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ लगा हुआ, ताकि आपके सिलेक्शंस में किसी भी प्रकार का बाधा ना आए। जैसा कि आप जान लो डियर, कि अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो इन सेक्टरों के लिए, लाइक डिफेंस के सेक्टरों के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। और आप याद रखना डियर कि जनवरी तक सारे एग्जामिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन जनवरी तक आपके हो जाएंगे। ओके, जस्ट मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन लोग जुड़े हैं। आई एम जस्ट वॉचिंग टू हाउ मेनी पीपल्स आर एसोसिएट विथ अस। वन ओनली वन पीपल्स, फाइन। ओके, सो आज की तरोताजा करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए डियर। वेरी वेरी डायनामिक्स करंट अफेयर्स है आज का आपके लिए। ओके, वन ऑफ द डायनामिक्स करंट अफेयर्स फॉर टुडे। सो क्रैक योर सीडीएस एपकेट्स सीएपीओ विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट प्लस सब्सक्रिप्शंस एंड एसेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स। ये खासियत है डियर आपके अन अकेडमी की, बट यू हैव टू बी सब्सक्राइब फर्स्ट। ओके, नाउ सो क्वेश्चन दैट विल हेल्प यू इज द डिफेंस एग्जामिनेशन क्वेस्ट। नाउ स्टार्ट करते हैं डियर धमाका डेली करंट अफेयर्स। यू कैन यूज माई रेफरल कोड्स एजे कुमार फॉर गेटिंग योर सब्सक्रिप्शंस। इफ यू यूज माई दिस रेफरल कोड्स, यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट्स ऑफ 10% each and every subscriptions. Fine, so let's crack your defense examination, defense exam quest. Now daily live classes you can enjoy, chat with educators, engage in discussions, ask your doubts and polls all while the classes is going. Matlab class ab kuch chal rahe honge, aap polls kar paoge. Structure courses, all courses are structured ki gayi hai in the line of exam syllabus. The live test quizzes you are available and unlimited access just by the subscription of 400 per month. Fine, for that you have to install yourself from Unacademy. Aap Google Play Store pe jaake Unacademy learning apps ko install kare. For better information you can go with Telegram apps. Okay, to find the above link in the video descriptions, download the Telegram apps, type the link in URL and click on to join. Fine, now the subscriptions criteria is here for 1 month, 3 months, 6 months and 12 months. Okay, I am suggesting you, if you aapne just abhi taiyari shuru ki hai to aapko 24 month ke leni chahiye aur 2 years ke leni chahiye, aur aap taiyar ho, thodi bahut kami reh gayi hai to aap 1 month ke subscription ko lo. Do baar aap examination mein baithoge, complete coverage milegi aapko in dono subscription pe, whether you will take 1 years or this is for 2 years, you are eligible for discount of 10%. तो 10% के discounts आपको मिल सकते हैं. Fine. तो चलिए डियर शुरुआत करें फिर से धमाका करंट अफेयर्स की. ओके, सो लेट स्टार्ट टुडे. ओके, सो टुडे इज 18th November. पीएम मोदी विल इनॉग्रेट्स बेंगलुरु टेक समिट 2020. अभी रिसेंटली बेंगलुरु समिट होनी है डियर, वो कल से शुरुआत होगी, 19 to 21 नवंबर तक चलेगी ये सब समिट्स.
It is organized by the government of Karnataka along with the Karnataka Innovations and Technology Society. Examination में ये question पूछे जा सकते हैं dears कि जो summits हुए tax summits हैं वो कब से कब तक चलेगी one questions तो आप बता पाओगे from 19 to 21 ये इनको कौन organize कर रहा who organize these summits your answer is Karnataka along with Karnataka Innovation and Technology Societies पार्टिसिपेंट्स कौन कर रहे हैं तो स्कॉट मॉरिशंस आप देख रहे हो द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया ये वर्चुअल समिट्स हुई है और ये पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसमें समिट्स करेंगे थीम क्या है नेक्स्ट इज नाउ व्हाट इज थीम द नेक्स्ट इज नाउ इनको याद रखिएगा डियर ये आपकी थीम है नेक्स्ट इज नाउ तो आपसे पूछा जाएगा इन योर एग्जामिनेशंस की थीम ऑफ बेंगलुरु टेक समिट्स क्या है तो नेक्स्ट इज नाउ करेक्ट ऑब्जेक्टिव व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस समिट्स नॉर्मली जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समिट्स होते हैं उनका होता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट में लाया जाए और प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसमें किस तरह के कोऑपरेशन किया जाए ताकि इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेके जो आपके अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं ओके जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं अनलिमिटेड वांट्स हैं इनको कैसे कोलैबोरेट किया जाए सो ऑब्जेक्टिव इज पोस्ट पैंडेमिक्स वर्ल्ड विद फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन देखिए डियर ये जो पैंडेमिक्स के बाद का जो समय आएगा ऐसे समय में जो आपकी डिमांड्स क्रिएट करानी होगी इनके लिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को फंक्शन में लाया जाए ओके तो इनको इंफॉर्मेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर के द्वारा इन काम को किया जा रहा है फाइन सो इट इज इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन ये है कि बेंगलुरु टेक समिट्स कब से कब होगी तो 19 November to 21 November को ये आपके काउंटर पार्ट हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर से कौन पार्टिसिपेट करेंगे स्कॉट मॉरिशंस इनकी थीम क्या है नेक्स्ट इज नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड विद द फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ परमानेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फाइन नाउ नेक्स्ट इंडिया हैज एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया ने पूरी दुनिया को एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी देने की बात करी है स्पीकिंग एट द थर्ड एनुअल ब्लूमिंग्स न्यू इकोनॉमिक फोरम ऑन ट्यूजडे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया को वर्ल्ड को थर्ड एनुअल ब्लूमिंग्स न्यू इकोनॉमिक फोरम्स में डेडिकेट किया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पीएम नरेंद्र मोदी इन्वाइट्स द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द इंडिया अर्बनाइजेशन इनोवेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट यह कि इंडिया जो है पूरे विश्व को आमंत्रित कर रहा है किस पर्पज से अर्बनाइजेशन इनोवेशन को लेके मीन्स इन्वेस्टर्स को इंडिया वेलकम कर रहा है कि आप किस तरह से हमारे जो अर्बनाइजेशन है उनको आप इनोवेशंस करोगे इनोवेट्स करोगे इनिशिएटिव्स डिजिटल इंडिया स्टार्टअप एफोर्डेबल हाउसिंग रियल एस्टेट्स एंड मेट्रो रेल इन 20 सिटीज आपको पता होगा डियर कि इंडिया में 27 सिटीज में मेट्रो रेल को प्लान किया जा रहा है और इंडिया के पास अभी 1000 किलोमीटर्स के मेट्रो रेल्स ऑलरेडी अवेलेबल है डियर सो दिस इज द इनोवेटिव इन अर्बनाइजेशन और इसमें आपके नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी देने की बात करी है कि आप आइए और भारत में इन्वेस्ट कीजिए ताकि भारत में इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके करेक्ट फाइन पीएम एड्रेसिंग 12th ब्रिक्स समिट्स आप देखें डियर कि जो 12th ब्रिक्स समिट्स हुए हैं इनको पीएम मोदी ने एड्रेस किया है और किन के लीडरशिप में हुई है समिट तो रशिया के लीडरशिप में रशिया के लीडर है व्लादिमीर पुतिन तो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हैज बीन गिवन फाइनल टच ये जो ब्रिक्स की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है इसको फाइनल टच दिया गया है और इंडिया विल प्रमोट डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडिया डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए अपनी बातों को रखा है अमॉन्ग ब्रिक्स मेंबर्स नेशन हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्रिक्स देर आर 5 मेंबर्स इन ब्रिक्स द ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका इंडिया प्रोवाइड्स 150 कंट्रीज को मेडिसिन इंडिया दे रहा है नीड टू रिफ्रेम ऑफ यूएन सेक्रेटरी काउंसिल्स पीएम मोदी ने फोकस किया है कि आज
यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को रिफ्रेम करने की बात है और इन्होंने फोकस किया है देयर इज इंप्रूवमेंट ऑफ सच ए बिग ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WTO, IMF एंड WHO, इनको भी रिनोवेशंस करने की बात मोदी जी ने कही है। तो इंडिया बीइंग ए कोर सपोर्टर्स ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, आगा डियर कि विश्व में सबसे अधिक मैक्सिमम सपोर्ट मल्टीलैटरलिज्म को कौन कर रहा है, तो आपकी बात आएगी इंडिया। और ये कौन से समिट्स हुई ब्रिक्स की, तो आप बोलोगे 12 समिट्स हुई है। इस समिट्स की जिम्मेवारी किनकी है, तो रशिया के व्लादिमीर पुतिन की है। और इनकी जो आउटकम्स आई है, द ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हैज बीन गिवन फाइनल टच। फाइन, नाउ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन IISF 2020 बाय वर्चुअल इवेंट्स, इन्होंने IISF की एनुअल्स मीटिंग्स की है, ये वर्चुअल एनुअल मीटिंग्स की गई है किनके द्वारा, तो आप देख रहे हो दिस इज डॉक्टर हर्षवर्धन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स, ये कौन डियर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया है। ओके, दिस इज IISF इज द फुल फॉर्म इज, नोट करेंगे इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल साइंस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल्स। ओके, इनको प्राइम मिनिस्टर सॉरी इनको डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनको वर्चुअली इवेंट्स किया है। एक्चुअली इट इज बेसिकली एनुअल समिट्स तो ऑर्गेनाइज बाय द DST, DBT, MOEF एंड CSIR फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विज्ञान भारती VIVA। थीम क्या है, साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर। ये जो साइंस फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड ग्लोबल वेलफेयर की बात आएगी डियर, ये 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक ये आपकी स्कीम्स चलेगी, करेक्ट। सो इम्पोर्टेंट है, IISF को वर्चुअली किसने इनॉग्रेट्स किया है, तो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इट इज अ टाइप ऑफ एनुअल समिट्स है। ओके, तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं डियर। और बेसिकली आप देखो यहां से दो क्वेश्चन बनने की बातें आ रही है कि ये जो 22 दिसंबर को क्यों शुरू किया गया है, क्योंकि इसी दिन श्रीनिवास रामानुजम जो लोग जुड़े हैं काइंडली कम्युनिकेट करें, रामानुजन ये ग्रेट इंडियन एंड रेनॉल्ड इंडियन मैथमेटिशियंस हैं, इनका बर्थ हुआ था इसी दिन 22 दिसंबर को। सो इसकी शुरुआत मतलब इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत 22 दिसंबर को की जा रही है, और जो इसको एंड की जाएगी वो की जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बॉर्न होने के डेट्स को लेके, तो इनके बर्थडे पे शुरू होगी एंड होगी ये सेमिनार्स एंड फेस्टिवल्स या IISF की फेस्टिवल्स, और स्टार्ट होगी श्रीनिवास रामानुजम के जन्मदिन के अवसर पर, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि इंडिया और इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है ये, मींस इंडिया के साथ साथ विश्व के तमाम लोग इसमें जुड़ेंगे, फाइन। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप राइट डाउन कर लिए होंगे तो डियर इसे मैं इरेज करता हूँ, फाइन। अभी इनके फिर से सेशन देनी है मुझे। ओके, नाउ नेक्स्ट, SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हैज सेड दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन विल बी इन फोकस। इन्होंने कहा है कि जो आपसी कंट्रियों के बीच में जो SCO कंट्रीज हैं इनके बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन की फोकस होनी चाहिए एट द अपकमिंग सोशियो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स अंडर इंडिया चैंपियनशिप ऑन 13 नवंबर। ये जो इंडिया इनको
इट्स एससीओ सेक्रेटरी लेवल्स की जो डेलीगेशंस की मीटिंग करेगी इंडिया 18 नवंबर को, इनके लिए इन्होंने कहा इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू बी इन फोकस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 13 नवंबर 2020। ये आने वाले 30 तारीख को जिस कॉपरेशन की शुरुआत होगी उनमें मेजर फोकस होगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद द मेंबर नेशन। आप देख रहे हो अगर सिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो इस सिंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप देख पाओगे डियर 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रहते हैं। अगर पूरे विश्व के पॉपुलेशन को कैलकुलेट कर दिया जाए उनका लगभग 50% मीन 42% इन्हीं जगहों पे रहते हैं एंड 22% ऑफ लैंड एरिया, और जो पूरे एरियाज हैं लैंड के उनका 22% इन्हीं ऑर्गेनाइजेशनों के मेंबर कंट्रियों के बीच में रहते हैं एंड 20% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये 18 से 20 हो गई तो विश्व की जो ग्लोबल जीडीपी है उसकी 20% इन्हीं एरियाओं में रहते हैं। अब आइए देखते हैं डियर एससीओ के बारे में कि सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो हेडक्वार्टर है डियर इज बीजिंग चाइना। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स? देयर इज 8 मेंबर्स। हु इज द फाउंडर्स? बेसिकली चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। द लास्टली जो आपको मिले हैं वो इंडिया एंड पाकिस्तान। 2070 में इंडिया एंड पाकिस्तान बी द मेंबर ऑफ सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपने देखा इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है डियर, तो व्लादिमीर नोरोव इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ सिंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं डील कर रहा हूं। चाइना प्रिपेयर टू हैव कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन COVID-19 वैक्सीन। ये जो 12th समिट हुई है ब्रिक्स की, इनमें इंडिया चाइना ने अपनी इच्छा जताई है कि रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड ऑफ वैक्सीन कंट्रीज, इंडिया को ये रिकॉग्नाइज किया है। और स्पीकिंग एट द ब्रिक्स समिट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन्होंने कहा है कि मैं चाइना इंडिया का मदद लेना चाहता हूँ वैक्सीन के फॉर्मेशन। ओके, नाउ यूनाइटेड नेशन लॉन्च टीम हेलो। आपसे बात किया जाएगी कि यूनाइटेड नेशन लॉन्च टीम हेलो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हु लॉन्च द टीम हेलो, हु लॉन्च द टीम हेलो। टीम हेलो एम्स टू टैकल द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ COVID-19 वैक्सीन। ये टीम हेलो बेसिकली जो आपके COVID-19 वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है और इनकी जो सेफ्टी है उन पर ये फोकस करेगी। एक्चुअली द सोशल मीडिया फ्रेंडली वीडियो ऑन COVID-19 वैक्सीन, जो सोशल मीडिया फ्रेंडली वीडियोज है उसको ये लॉन्च करेगी रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन। कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म फॉर द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन COVID-19 वैक्सीन। और ये टीम हेलो इज ए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिन पे जो साइंटिस्ट हैं जो वर्क कर रहे हैं किन पे COVID-19 वैक्सीन पे, उनमें उनको मदद मिलेगी। और इंडिया की ओर से टोटल 22 साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, और एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई, दैट इज फूड कोलिएशंस। यूएन लॉन्च ए न्यू अलायंसेस टू प्रिवेंट COVID-19 फूड क्राइसिस। इस COVID-19 के कारण कई कंट्रियों में फूड क्राइसिस हो गए इंडिया, तो उस फूड क्राइसिस को कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने फूड कोलिएशंस स्कीम को लॉन्च किया है। इस लॉन्च के तहत जो COVID-19 के कारण या पोस्ट कोरोना COVID-19 फूड क्राइसिस है उनसे बचा जा सके या उनकी पूर्ति की जा सके। फाइन, तो इट इज इंपॉर्टेंट टीम हेलो। नाउ पीएम मोदी अनवेल्स स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू इन जेएनयू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के स्टैच्यू को जेएनयू में स्थापित किया है। आरबीआई इम्पोजेस ₹1 crore पेनाल्टी ऑन पीएनबी। अब पूछोगे सर ये पीएनबी पे पेनाल्टीज को क्यों इम्पोज किया है, तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी या पेमेंट सेटलमेंट्स के रूल्स को वो फॉलो नहीं किया था, इसके वजह से कस्टमर ओरिएंटेशन ने शिकायत करी थी आरबीआई से। सो डैट आरबीआई ने पाया कि उनकी बात सही है, इसलिए पेमेंट
एंड सेटलमेंट में इनका डिले के कारण ही आरबीआई ने इम्पोज किया है 1 करोड़ पेनल्टीज ऑन पीएनबी, 1 करोड़ की पूरी पेनल्टीज लगाई है। और एसबीएम बैंक इंडिया सेट टू लॉन्च नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ये एसबीएम बैंक है जो इंडिया के अंदर नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात कर रहा है डियर, और इन्होंने किया है। फाइन, और पूछा जाए कि डियर ये एसबीएम बैंक है तो एसबीएम बैंक मॉरिशस की बैंक है। फाइन, नाउ नेक्स्ट, फीफा कैंसिल्स द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया में होनी थी डियर, फीफा ने इसे कैंसिल्स कर दिया है, यू कैन सो पोस्टपोन्ड कर दिया है, इन द लाइट ऑफ द करेंट ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक्स एंड इट्स कंटिन्यूइंग इंपैक्ट ऑन फुटबॉल्स आल्सो, द ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल्स हैज टेकन ए नंबर ऑफ डिस्कशंस रिलेटेड टू द फीफा कॉम्पिटिशंस। तो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 को पोस्टपोन किया गया, अंडर 17 वर्ल्ड कप विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया बट पोस्टपोन्डेड टू द 2020-21 ड्यू टू पैंडेमिक्स इफेक्ट्स। नोट डाउन करते चलेंगे डियर, अवॉर्ड फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, आप फीफा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है डियर, इनका मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ फीफा, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, हर खेल खेलो पूरे विश्व के लिए, एंड इट वॉज फॉर्म इन ईयर 1904 बाय 21 मई, हु इज द हेडक्वार्टर, ज्यूरिश स्विट्जरलैंड इज द फीफा वर्ल्ड कप हेडक्वार्टर, द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द फीफा दैट इज फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश। एंड प्रेसिडेंट कौन है डियर, जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फाइन, नाउ स्पोर्ट्स मिनिस्टर सेंसेंस 10 लाख टू एमपी सिंह, ये नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन मोहिंदर पाल सिंह क्रॉनिक किडनी अलाइनमेंट या डायलिसिस पे है डियर, इनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेलफेयर फंड के तहत आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 10 लाख रुपीज को सेंसन किया है, और ये इनकी पत्नी को दी जाएगी ये फंड, ताकि इनके इलाज में किसी प्रकार का बाधा ना आए, और इनकी जो जरूरत है, इनकी फिजिकल नीड्स है इंडिया को, क्योंकि ये अच्छे प्लेयर्स रह चुके हैं, और ओके सो दैट वन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, 51st STIIFI टू बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 24 November। ओके, ये इनिशियली कितना कब होनी थी डियर, 20 November टू 28 November को होनी थी, बट अब कब होगी डियर, 51st IIFT ये कब होगी डियर, 20 November टू 28 November को होगी। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने इसके डिसीजन को दिया है। ये फीफा अवार्ड्स है डियर, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं इनका नाम क्या है, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स। इनका लोकेशन किधर है डियर, तो गोवा, गोवा इज द लोकेशन। इनका फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 24 जनवरी 1952। ओके, 24 जनवरी 1952 को इनका फॉर्मेशन हुआ फीफा। नाउ गोवा, आप देख रहे डियर गोवा की कैपिटल क्या है, पंजी। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गोवा वास्को डा गामा इज द सिटी ऑफ गोवा। डिस्ट्रिक्ट इनके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर ऑफ गोवा, एंड सीएम ऑफ गोवा प्रमोद सावंत इज द सीएम ऑफ गोवा। हाउ मेनी सीट्स ऑफ असेंबलीज, देयर इज 40 सीट्स, देयर द अपर हाउस राज्यसभा सीट इज 1, ओके लोकसभा सीट इज 2। द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस यूज्ड इन कोंकणी दैट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट्स। कई बार सवाल में पूछे जाते हैं डियर कि कोंकणी लैंग्वेज किस राज्य की है, तो गोवा की है, और इनकी स्क्रिप्ट क्या है डियर, तो देवनागरी स्क्रिप्ट्स। फाइन, हाँ जी आप लिखें। सो डियर, आप समय आ गया है क्विक रिविजन्स का,
फिर आज क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करूंगा. फाइन. तो सी पीएम मोदी विल इनॉग्रेट बेंगलुरु टेक समिट 2020. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस समिट? नेक्स्ट इज नाउ. और इनके पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कॉट मॉरिशंस. स्कॉट मॉरिशन इज द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बेंगलुरु टेक समिट? द पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड विथ फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी के ये साझा कार्यक्रम होंगे. इंडिया हैज एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज टू वर्ल्ड. एक्चुअली इंडिया अपने इन्वेस्टमेंट को वेलकम करती है इन अर्बेनाइजेशन में. स्पीकिंग थर्ड एनुअल ब्लूमिंग्स न्यू इकोनॉमी फोरम ऑन ट्यूजडे बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पीएम नरेंद्र मोदी इन्वाइटेड द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द इंडिया अर्बेनाइजेशन इनोवेशन. इनकी जो मोस्ट फोकस एरिया है दैट इज इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, स्टार्टअप, एफोर्डेबल हाउसिंग्स, रियल एस्टेट्स एंड मेट्रो रेल इन 27 सिटीज. इंडिया के अंदर अराउंड 1000 किलोमीटर की मेट्रो रेल अभी है. ओके, और 27 सिटीज में ये चाहता है इंडिया कि अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट को लेके इनके रेल्स को बढ़ाया जाए. क्लियर. नेक्स्ट, पीएम एड्रेसिंग 20th ब्रिक्स समिट्स. पीएम ने 12th ब्रिक्स समिट्स को एड्रेस किया है. ये ब्रिक्स समिट्स किसके लीडरशिप में हुई है? रशिया. ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं आप देख रहे हो? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ये ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हैज बीन गिवन फाइनल टच. इंडिया विल प्रमोट डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. इंडिया डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बात कर रहा है. Among BRICS nations, India provide around आज विश्व के 150 कंट्रियों में इंडिया अपने medicines को सप्लाई करता दिया. ये pharmaceuticals में इंडिया की जबरदस्त पकड़ है. Need to refrain, इंडिया ने कहा है और मोदी जी ने कहा है कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी councils हैं उनको refrain करने की जरूरत है. इतना ही नहीं, he said there is a requirement of improvement of WTO, IMF and World Health Organization even. इंडिया बीन ए कोर सपोर्टर ऑफ मल्टीलैटरलिज्म. इंडिया हमेशा सबका साथ, सबका विकास और मल्टीलैटरलिज्म पे बात करता है. नाउ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन IISF 2020 बाय वर्चुअल इवेंट्स के द्वारा इन्होंने कहा है. इट इज ए बेसिकली एनुअल समिट्स. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन. Organized by the DST, DBT, MOEF and CSIR from the Government of India and Vijayan Bharati. Theme kya hai dear? Ye theme se kai baar sawal puche jaate hain. Science for Atmanirbhar Bharat and Global Welfare. Dekhiye dear, jo bhi question Atmanirbhar Bharat se honge, unse to sawal puche hi jayenge. Fine. अब देखो ये खास, सबसे खास बात यह है कि ये जो इनकी जो शुरुआत है, ओपनिंग्स जो होगी वो 22 दिसंबर से होगी. और ये रामानुजम, ये जो रामानुजम है, इस रामानुजम के जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की जाएगी. और यू नो रामानुजम ये भारत के रेनॉन्ड मैथमेटिशियन है, इंडियाज इंटरनेशनल रेनॉन्ड मैथमेटिशियंस. एंड जो इनको जो एड किया जाएगा दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इनको एड किया जाएगा. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर. यहाँ पे आप देख पाओगे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं. यू शुड हैव टू राइट डाउन. जो लोग नहीं लिख पाए थे वो लोग लिखें. फाइन. ओके, सो मैं इनको इरेज करता हूँ. Someone आप ऐड हैं, बताएं who are you, आप only one person is add with us. मैं 26 से डियर मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स को दे रहा हूँ. फिर मैं इनपे अनअकैडमी अपने और स्पेशल क्लासेस को भी मैं दे रहा हूँ. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड दिस वन.
SU Secretary General Vladimir Norov has said that economic cooperation will be in focus at the upcoming SU Councils of Heads. जो upcoming SU Councils of Heads की जो मीटिंग होनी है 13 नवंबर को, उनमें ये व्लादिमीर पुतिन ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच रखे हैं. इन्होंने कहा है कि यह मीटिंग जो होगा सेंट्रलाइज होगी इकोनॉमिक कोऑपरेशन टू बी द फोकस एरिया ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑन नवंबर 30. ये आप देखोगे सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन विश्व की 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है. ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछे हैं डियर, 22% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करता है, 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इनके पास है. ओके, अब देखोगे एससीओ की जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना है डियर. इनके हाउ मेनी मेंबर्स, देयर इज 8 मेंबर्स, मोस्टली द फाउंडेड आर द चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान बी द लास्ट एडेड इन 2017. और इनके सेक्रेटरी जनरल अभी चर्चा हुई है व्लादिमीर नोरोव, तो इनका स्कोप है कि इनकी जब मीटिंग होगी इनका मेन एजेंडा रहेगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स नेशन. फाइन, चाइना प्रिपेयर टू हैव कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन कोविड-19 वैक्सीन टू रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज. ये जो ब्रिक्स कंट्री के बीच में जो अभी डायलॉग्स चल रहे हैं, चाइना भी उनका मेंबर है और चाइना ने कहा है कि मैं भारत के साथ पार्टनरशिप के तहत कोविड वैक्सीन को बनाना चाहता हूं. यूनाइटेड नेशन लॉन्चेस टीम हेलो. टीम हेलो एक मेंबर टीम्स है जो अवेयरनेस क्रिएट कराएगी, सोशल मीडिया फ्रेंडली वीडियोस को लॉन्च करेगी और ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देगी फॉर द साइंटिस्ट वर्किंग ऑन द कोविड-19 वैक्सीन. कोविड-19 वैक्सीन में किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, इनको डोजेस देने के बाद किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इन सभी चीजों को एक कम्युनिकेशन के तौर पर एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी, दैट इज टीम हेलो. एंड ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है और इंडिया के 22 साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, और एक नई स्कीम लॉन्च हुई है, दैट इज द फूड कोलिएशन. ये यूएन लॉन्च है न्यू अलायंसेस, एक नए तरह का अलायंसेस है प्रिवेंट कोविड-19 फूड क्राइसिस. तो कोविड-19 के जो फूड क्राइसिस होगी उनसे बचाव के लिए एक इनिशिएटिव है. फाइन, नाउ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. पीएम मोदी अनवेल्स स्वामी विवेकानंद स्टैच्यू इन JNU. RBI इम्पोजेस ₹1 करोड़ पेनाल्टी टू PNB. PNB को ₹1 करोड़ का पेनाल्टी देना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने एसेट्स लाइबिलिटी मैनेजमेंट और जो इनके जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट राइट्स को है और पेमेंट सेटलमेंट में देरी होने के वजह से इन्हें ये पेनल्टीज लगी है डियर. और SBM, इट इज अ बैंक फ्रॉम मॉरिशस, बैंक इंडिया सेट टू लॉन्च ए न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म. ये नई बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात करी है. फाइन, फीफा कैंसल्स अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. फीफा ने जो कि वर्ल्ड कप भारत में होनी थी उसे नॉट कैंसिल, इट इज पोस्टपोन, फिलहाल तो कैंसिल कर दिया है और इनके चांसेस हैं कि 2021 में ये हो जाएंगे ड्यू टू पेंडेमिक्स. ओके, आप देख पा रहे हो फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इनका मोटो क्या है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड. और दिस फीफा वॉज लॉ एस्टेब्लिश इन 21 मई 1904. द हेडक्वार्टर इज ज्यूरिश स्विट्जरलैंड में. इनकी जो लैंग्वेजेस यूजेस होती है फीफा के अंदर, डेट इज फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन एंड स्पेनिश. और इनके प्रेसिडेंट्स हैं ज्ञानी इन्फेंटियो इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सेंसन 10 लाख टू MP सिंह. ये MP सिंह एक रेनॉल्ड प्लेयर है डियर. ओके, ही द रेनॉल्ड प्लेयर. इनको क्रॉनिक किडनी अलाइनमेंट्स है और ये डायलिसिस पे है और इनको जो फंड दिया जाएगा दैट इज फ्रॉम द पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से वेलफेयर फंड दिया जाएगा. ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है डियर किरण रिजिजू. ये 1988 में समर ओलंपिक्स में इंडिया की ओर से कोच भी रहे हैं. ये MP सिंह जो है
1988 summer olympic के कोच भी रहे हैं. ओके, समर ओलंपिक्स ये कोच भी रहे हैं. जब भारत ने एशिया कप जीता था, एशिया कप जब भारत ने जीता था तो भी ये उनके मेंबर्स रहे हैं. तो इनकी उपलब्धि है रियर और इनकी जो कंट्रीब्यूशंस है, इनकी जो फिजिकल एपीयरेंस है, उनको भूला नहीं जा सकता है. ओके, सो आप देख रहे हैं फीफा 51st टू बी हेल्ड, जो कि फीफा जो सेरेमनी है, ये फिल्म वाली सेरेमनीज है, इनको होनी थी वो 16 to 24 नवंबर को, इन्हें डिले कर दिया गया है, 20 से 28 नवंबर तक होगी ये. इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने किया है. इनके अंदर जो अवार्ड मिलती है वो गोल्डन पीक अवार्ड मिलती है. इनका लोकेशन है डियर गोवा और इनको फाउंड हुआ ये 24 जनवरी 1952 को. आप देख सकते हो गोवा, द कैपिटल ऑफ गोवा इज पंजी, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गोवा इज वास्को डा गामा. ये पुर्तगालियों के द्वारा बसाई गई बस्ती है डियर गोवा. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, देयर इज टू डिस्ट्रिक्ट्स. हु इज द गवर्नर, तो भगत सिंह कोशियारी इज द गवर्नर ऑफ गोवा. हु इज द सीएम, प्रमोद सावंत. हाउ मेनी सीट्स ऑफ असेंबली, दैट इज 40. हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा, दैट इज 1. हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा, दैट इज 2. And the languages used in Goa is Konkani. And this Konkani को देवगान देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है. ये कोंकणी से कई एक बार सवाल पूछे गए हैं डियर. ओके, सो आइए अब समय आ गया डियर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे. टू पीपल्स जुड़े हैं लाइव चैट्स में, काइंडली आप अपने कॉमेंट्स को प्रेजेंट करें. हु आर यू? How was your classes? Classes कैसी लगी? You want any type of innovation? I'm waiting your comments. Any modernization you needs? Be communicators. Fine. So question of the day. आज 10 question different different sectors से दिए जाने dears. ये question of the day के answer को मैं कल करूँगा. So pen and paper को लेके तैयार हो जाओ फटाफट. Dear आप examination का दौर शुरू होगा, जैसे ये COVID-19 से जो cold seasons जैसे जैसे end हो गए और जिस तरह से vaccines को हम लोग approach कर रहे हैं फटाफट, इस approach के बाद definitely आपके examination के seasons होंगे और फिर लगातार एग्जामिनेशन होंगे डियर. और आप इनसे डिनाई नहीं कर सकते हो कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन को. फाइन, आपको किसी चीज की सोचने की जरूरत नहीं डियर. मैं सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने करा दूंगा. सो क्वेश्चन ऑफ द डे हिस्ट्री से सवाल है डियर. पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वास, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट सिटी किसे कहा जाता था? ये बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता था? हरप्पा, कालीबंगा, लोथल एंड मोहनजोदड़ो, दीज ऑल आर द हरप्पन साइट्स. ये सारे हरप्पा संस्कृति के, हरप्पा सिविलाइजेशंस के साइट्स हैं डियर. इन जगहों पे हरप्पा के अवशेष मिले हैं. ओके, तो ऐसा कहा क्वेश्चन में दिया गया है कि पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हरप्पा, कालीबंगा, लोथल एंड मोहनजोदड़ो. इनका आंसर मैं दूंगा कल. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ डबल बुरियल्स? ये डबल बुरियल्स के इंसिडेंट्स किन जगहों पे मिले हैं? कुंतासी, दौलागिरी, लोथल एंड कालीबंगा.
दो तीन क्लास तक चलेंगे डियर, ये आपके हिस्ट्री के एंशंट से, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाऊंगा, इस तरह से ये सवाल चलेंगे आपके। नाउ क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिची, हैव यू रिटन टू ऑल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, किस एक्ट के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी संविधान की प्राथमिकता का वर्णन करता है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखिए ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फाइन, नाउ इट इज सेकंड क्वेश्चंस, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल विलेजेस इन इंडिया, भारत में गांवों की संख्या कितनी है, 5,649,841, 8 lakhs एंड नॉन ऑफ दीज। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अंडमान विथ म्यांमार, ये अंडमान को म्यांमार से सेपरेट कौन करता है, डक्कन पासेस, कोकोप चैनल्स, 10 degree चैनल्स और सैम्बिरोस चैनल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डक्कन पासेस या कोको चैनल्स, 10 degree चैनल्स या सैम्बिरोस चैनल्स अंडमान को म्यांमार से अलग करता है, इंपॉर्टेंट वन। नाउ Which of the following is the busiest route of the world? पूरे वर्ल्ड की सबसे busiest route कौन सी है? Indian Oceans, North Atlantic Oceans, South Atlantic Ocean and Pacific Oceans. विश्व की सबसे व्यस्त मार्गों में से कौन है? Indian Oceans, North Atlantic Oceans, South Atlantic Ocean और Pacific Oceans. Important question here. उम्मीद करता हूं आप लिख चुके होंगे। नाउ व्हिच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेटवर्क ऑफ बुलेट ट्रेन्स, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेटवर्क बुलेट ट्रेनों की किन के पास है, रशिया, जापान, यूएसए और चाइना, मींस किन कंट्री के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटवर्क है, जैसे इंडिया के पास आपने देखा डियर अराउंड 1000 किलोमीटर का नेटवर्क है, तो इससे ज्यादा होगी। नाउ एन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया, देखिए डियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरह के मॉनिटरिंग कंट्रोल को अपनाती है, पहला क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, तो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया कौन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्रेडिट रेशनलाइजिंग, चेंज इन रिजर्व रेशियो एंड बैंक रेट, कौन सा क्वालिटेटिव है। Which of the following is not a quantitative credit control techniques? इनमें से कौन सा quantitative, quantitative का मतलब होता है मात्रात्मक और quality का मतलब होता है गुणात्मक। Which of the following is not a quantitative credit control techniques? Bank rate, cash reserve ratio, increase of interest rate on saving deposits and statutory liquidity ratio. कौन सा? Fine. Now, so इतने सारे क्वेश्चन हो गए डियर आपके आज के, फाइन एक बार मैं क्वेश्चनों को रिकैप कर देता हूं, सो डैट जिनका भी छूट गया होगा आप लिख सकते हैं। फोर्थ सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज हरप्पा, कालीबंगा, लोथल एंड मोहनजोदड़ो। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ डबल बुरियल्स, कुंटासीज, धौलेवाड़ा, लोथल एंड कालीबंगा। पॉलिटी, विच पॉलिटी से क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल विलेजेस इन इंडिया, 5,649,481, 8 lakhs and none of these. Which of the following separates Andaman with Myanmar?
Deccan passes, Koko channels, 10 degree channels and Somvirayaru channels. Which of the following is busiest route of the world? Indian Oceans, North Atlantic Oceans, South Atlantic Ocean or Pacific Oceans? Okay. Which country has the world's longest network of bullet train? Russia, Japan, USA and China. And instruments of qualitative credit control in India. Open market operation, credit rationalizing, change in reserve ratio and bank rate. Which of the following is not a quantitative credit control techniques? Bank rate, cash reserve ratio, increases of interest rate on saving deposits, statutory liquidity ratio. Fine. So let's crack your defense examination quest. आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह दूंगा और साथ में करंट अफेयर्स दूंगा कि आपका सिलेक्शन मल्टीपल एग्जामिनेशन में होगा. फाइन. बट डियर, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद आई होगी डियर, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप हमारा रेफरल कोड को यूज करें AJ कुमार फॉर परचेजिंग ऑफ एनी ऑफ योर कोर्सेस. आप JPSC की कोर्सेज को परचेज करो, आप BPSC के कोर्सेज को परचेज करो. डियर, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका है अनअकैडमी, तो आप परचेज कर पाओगे. डियर, आप जिस भी कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो आप करो, आप हमारा रेफरल कोड काइंडली यूज करो और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट, मीट यू वंस अगेन, बाय टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस सेम मूड. Okay, you come with in groups. Thank you, thank you, thank you. Hello dear, aaj ki classes ko off.